वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाया है बाथू का पराठा, तो देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है देख करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी कॉल पर सेट करें ताकि आने वाली कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर पाए। ये हमारे पास बाथू है और इसको हमने अच्छी तरह साफ कर लिया है। साफ करके इसे पहले धो लेते हैं, धोने के बाद दिखाते हैं इसको। तो देखिए हमने बाथू को धो लिया है और इसे 3-4 बार धोना पड़ता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होता है। तो इसे धोने के बाद हम इसे उबाल लेंगे और उबालने के बाद हम आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। बाथू जो है उबल चुका है और ठंडा भी हो गया है, तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस लेते हैं और इसमें ही डाल देंगे 2 हरी मिर्च और इसे हम बारीक पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए बाथू बिल्कुल पीस चुका है बारीक, तो इसे हम रखते हैं साइड में। तो हमने ले लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ये अजवाइन है, इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे और 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें रिफाइंड ऑयल। इसके साथ ही डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हरी मिर्च है तो आप तीखा जैसे खाते होंगे उसके अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा तीखा ज्यादा खाती हूँ तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। और इन सारी चीजों को हाथ से करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसके बाद इसमें ये जो बाथू पीस के रखे हुए हैं इसको ऐड कर देते हैं और इसे हम गून लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इसमें हम हल्का सा पानी डालकर गून लेते हैं, थोड़ा पानी की जरूरत पड़ गई तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हम। देखिए आटा गूंद गया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसका हम बनाएंगे पराठा। सर्दियों में आजकल बाथू बहुत ही मतलब मिल रहा है मार्केट में, तो आप आसानी से इस टाइम बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। को अच्छी तरह से साफ कर लिया है और थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया इसके ऊपर और इसे हम बेल लेते हैं। तो आप गोल या जैसे भी पराठा बनाते हैं उस टाइप से बना सकते हैं। तो इधर हमने गैस पे तवा रख दिया है, तवा गर्म हो चुका है, इस पे हम डाल देते हैं ये बेले हुए पराठे। तो देखिए इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसे अच्छी तरह से लट पलट करके सेक लेते हैं। तो इसे हम निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।